मैं इलेक्शन खत्म करने का आदेश तो दे सकता हूँ, लेकिन उसे अमल में लाना भारत के संविधान के खिलाफ है। इस संविधान को बदलना होगा। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अमित शाह जी, जरा अपना मोदी का टेलीफोन घुमाओ। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता उका ही लगता है ना। पहले उका पूछा कि उका अम्मा कितना बच्चा पैदा किया। अरे क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर ये? अरे घुमाओ फूनवा, पूछा उका। देखो उसके लिए मोदी जी को फोन करने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। मोदी जी के परिवार में 6 भाई बहन है। सोम भाई मोदी, अमृत भाई मोदी, प्रहलाद मोदी और बहन बसंती बहन, पंकज मोदी और माँ को मिला के कुल 7 लोगों का छोटा परिवार है। अब जरा अपनी अम्मा का बच्चा गिनवाओ। मेरा परिवार है? शर्मा का है। मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों, कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था अपने भाषण में? उन्होंने अपनी सरकार की प्रायोरिटीज बताई थी, खेती, सिंचाई, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बताए थे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटीज की हालत सुधारने के लिए, औरतों और बच्चों के लिए। इन्होंने कहा था दलितों और आदिवासियों के लिए जो प्लान्स हैं उन्हें पुनर्जीवित करना होगा, ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे कि माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को एम्पावर किया जा सके ताकि वो भी विकास के भागीदार हो सके। जिन सेक्शंस का मनमोहन सिंह ने जिक्र किया था वो सब शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे रहे हैं। अगर उनको साथ में लाने को उन्होंने सरकार की प्रायोरिटी बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मोदी जी को बिहार एक बार और ले जाना है बस। क्या मोटा भाई, मोदी जी को एक दिन रैली में बुलाते हो और दिन भर हिंदू मुस्लिम करवाते हो। अरे योगी महाराज, एरिया हिंदुओं का है, चलकर एक बार मुसलमानों पर बोल देंगे सारे हिंदुओं के वोट अंदर। भाई बहनों, जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। इंडी एलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का, इंडी एलायंस कभी नहीं करता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए भाई नहीं। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India.
कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके सात भाई थे। योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? सात। अब बोलो, सात। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले हमीच। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक भी बीजेपी वाला महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करता सिवाय हिंदू मुस्लिम के। इसलिए मैं आपको विनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ। विनोमो ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है जहाँ पे आप ट्रेड करके दिन में 1000 तक अर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, वी जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट द ग्राफ। चलो मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी डिपॉजिट के मेथड्स हैं जिनसे आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे जो कभी अप जा रहा है कभी डाउन। अपने को सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ अप जाएगा या डाउन। अगर हमारी इसमें प्रेडिक्शन सही होती है तो हम इसमें अर्न करते हैं। मैं अपने फेवरेट फीचर की बात करूं जो कि ये 5 सेकंड ट्रेड, हर 5 सेकंड में ये ग्राफ चेंज होगा और आपको आपका रिजल्ट्स भी पता चल जाएगा। तो अभी हम अपने रियल अकाउंट से रियल मनी से ट्रेड करते हैं। अब जैसे मेरे को लग रहा है ये ग्राफ डाउन जाएगा तो मैंने डाउन पर क्लिक कर दिया। देखते हैं हमारी प्रेडिक्शन सही रहती है या नहीं। और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। और यहाँ पर आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो। जैसे ही वो रजिस्टर करता है आपको मिलते हैं उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। और गाइस, बिनोमो की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? यहाँ पर आपको डेमो कॉइन मिलते हैं, साथ ही $10,000 भी दिए जाते हैं ट्रेड सीखने के लिए। जब आप अच्छे से ट्रेड सीख जाते हैं फिर आप रियल मनी से रियल अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बिनोमो ऐप का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अपनी पार्टी के निशान पर अंगूठा लगाइए, अब दूसरी पार्टी के निशान पर लगाइए। क्या ये अंगूठा कहीं भी लगे हमारी पार्टी में निशान लग रहा है? दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट टैम्परिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम कोरिया। ये हमने मिलकर ऐप इंस्टॉल किया है। ये ऐप हमारे इलेक्शन में काम आ जाए। कहीं कोई भी अंगूठा लगाए लेकिन आखिर में वोट आपको ही मिलने वाला है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। ये बहुत ही सीक्रेट और कॉस्टली है सर। प्राइम मिनिस्टर, यू हैव सेट मिशन 400। आफ्टर बीइंग टू टर्म्स इन पावर, इज मिशन 400 नॉट टू एम्बिशियस? इट इज नॉट टू मच? ये देश की जनता ने तय किया, मोदी ने तय नहीं किया, देश की जनता ने तय। और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवीय का भरोसा बना है और वो चाहते हैं, ये जनता जनार्दन का निर्णय। महासेना क्या है 400 पार? हमारे संविधान को बचाने की वजह एक तानाशाही को समर्थन देना है 400 पार। भारत के लोकतंत्र को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखना है 400 पार। जिस नीच ने हमारी भारत माता का अपमान किया वो हमारे सामने संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। उसका बहिष्कार करके भारत के संविधान को बचाने की जगह आंखें बंद करके बैठना है 400 पार। हमारे भारत के लोकतंत्र को कोई नीच पापी खत्म नहीं कर सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं, इस देश के राजा हो, इस चुनाव की रीति को खत्म कर दो, तुम्हें रोकने वाला। ऐसे महान देश की डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई? आतंकवाद के वार से चीन के प्रहार से भी ज्यादा घातक है इस देश के अंधभक्त रागा। कौन दादा, कौन? वो नीच भक्त मैं हूं। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज,
है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।